बेटा पानी पियो। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? अम्मी, आज तो ईद है, फिर भी अब्बू घर क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे अब्बू ड्यूटी पर हैं। पर आज तो स्कूल की भी छुट्टी है और ईद का पर्व भी है, फिर भी अब्बू घर नहीं आए। बेटा, कोरोना महामारी के कारण जो लोग बाहर से वापस गाँव आ रहे हैं, उनके सर्वे के लिए तुम्हारे अब्बू ड्यूटी पर है। वो उनके रहने की व्यवस्था करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ बेटा, इसीलिए इस बार हम ईद नहीं मना पाए, ना तुम्हारे नए कपड़े ले पाए। अम्मी, आपका मोबाइल दो ना, मुझे अब्बू से बात करके उनको ईद मुबारकबाद देनी है। यह लो बेटा। हेलो, ईद मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, आप कैसे हो? हम ठीक है बेटा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ अब्बू। सॉरी बेटा, हम इस साल आपके लिए ईद पर नए कपड़े में मिठाई नहीं ला सके। कोई बात नहीं अब्बू, मुझे गर्व है कि मेरे अब्बू इस मुसीबत के समय अपना फर्ज निभाकर देश की सेवा कर रहे हैं। खुदा करे कि महामारी जल्दी हमारे देश से खत्म हो जाए, फिर हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। हाँ बेटा, इंशाल्लाह हम यह जंग जल्द ही जीत जाएंगे और इस देश को कोरोना से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा जी। अभी हम बिजी हैं बेटा, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ओके बाय अब्बू। चलो बेटा, नमाज का टाइम हो गया है। या अल्लाह मेरे खुदा, इस ईद के पर्व के मौके पर मेरी आपसे यही दुआ है कि मेरे अब्बू जो ड्यूटी पर हैं वो स्वस्थ रहे और उनकी तरह सभी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और जो लोग इस संकट काल में भी देश की सेवा कर रहे हैं वो सभी स्वस्थ रहे और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यह कोरोना महामारी खत्म हो जाए, ताकि हमारा भारत फिर से मुस्कुरा सके। सभी देशवासियों को ईद मुबारक। इस बार सामूहिक ईद ना मनाएं, अपने घरों में रहकर ईद मनाएं।